बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के पैरोल समाप्त होने के बाद गुरुवार को मंडल कारा जेल में सरेंडर कर दिया गया। वहीं 15 दिनों के पैरोल पर वो 10 अप्रैल को जेल में तीसरी बार बाहर निकले थे। वहीं शिवहर विधायक व बेटे चेतन आनंद की सगाई समारोह संपन्न होने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन सहसा पहुंचे, जहां उसके बाद 4/15 पर सहसा मंडल कारा सहसा पहुंचकर सरेंडर किया गया। हालांकि इस दौरान बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए और कुछ भी बोलने से पूरी तरह परहेज किया। हालांकि दिन में ही उन्होंने एक झलक कैमरे के सामने बोलते हुए विरोधियों से लेकर तमाम वे लोग जो इनके रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं उन सभी को उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि जेल से जब वो बाहर आएंगे तब आगे की बात बोलेंगे और सवाल उठाने वाले को जवाब देंगे। क्या प्रोग्राम है? नमस्ते सर। एक कुछ एक नहीं, नहीं जेल का प्रोग्राम। एक मिनट सर, आज आप जा रहे हैं जी प्रणाम, अब छोड़ दीजिए, आज आप जा रहे हैं आखिरी बार। लोगों ने कुछ नहीं कहना चाहेंगे, निकल के बोले जी सर। एक सवाल है सर, जिस तरीके कोई सवाल, देखिए अब जितना सवाल जवाब करना था सबका दे चुके हैं, कुछ नया नहीं है। अब निकलेंगे जो फैसला आया सर उसका आईएएस एसोसिएशन ने एक प्रणाम करते हैं, आइए सबको प्रणाम करते, सबको प्रणाम करते जी। कृष्णैया की वाइफ ने प्रधानमंत्री से सबको हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा जी जी, शुभकामना दीजिए सर। आप बाहर आ रहे हैं सर, इसको लेकर मतलब कई सियासी माने भी लग रहे हैं सर। सब सियासी माने का जवाब दिया जाएगा सब सियासी, और सब उसका जवाब दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल सवाल सर, जिस तरीके से अब सवाल को प्रणाम, बीजेपी आपका स्वागत कर रही थी लेकिन कल से सर बीजेपी विरोध कर रही है, क्या कहिएगा सर? कुछ नहीं कहना इस पर सर, कुछ ये जनतंत्र का हिस्सा सर। कल को वापस आएंगे तो कुछ क्या कुछ रहेगा आपका? कल बात कीजिए, जाते जाते कोई मैसेज सर? कुछ मैसेज नहीं है, अपने गरीब का क्या मैसेज।